नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो यह रखें सावधानी। अधिकृत केंद्र व वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीयन कराएं, नहीं तो हो सकते हैं ठगी का शिकार। ग्वालियर पासपोर्ट केंद्र के अधिकारी ने बताया क्या सावधानी रखें पासपोर्ट बनवाने से पूर्व। संवाददाता ने की विशेष बातचीत। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो पासपोर्ट बनवाने जो लोग आते हैं लॉकडाउन के बाद, क्या क्या परेशानियां पहले लॉकडाउन में रही होंगी और जिससे सुविधा यहाँ लॉकडाउन के समय जो सरकार ने तीन अटेम्प्ट का वो रखा था वो बाध्यता खत्म कर दी है, क्योंकि कोरोना के समय पे आवेदक समय पे नहीं आ पाते, उनकी फीस बेकार चली जाती, इस कारण से अब वो तीन अटेम्प्ट हटा के निरंतर कर दिए और कितने भी बार भी शेड्यूल कर सकते हैं, ये उनको बेनिफिट हुआ है। दूसरी बात, कम से कम कागज मांगे जाते हैं, एक जन्म से संबंधित, एक पता से संबंधित और एक पैन कार्ड जिसमें उनका कोई डेटा हो, तो ये तीन कागज से ही पासपोर्ट बन जाते हैं। टेंथ की मार्कशीट इमिग्रेशन के लिए आधार कार्ड सिग्नेचर वेरीफाइड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, तीन से पढ़े लिखे लोगों का DCNR वाला पासपोर्ट बन जाता है। ऐसा ही यहाँ पर कुछ साइटें ऐसी होती हैं जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं। हाँ, उससे उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो साइट वैध है या भारत सरकार ने अथराइज किए हैं पासपोर्ट के लिए, www.passportindia.gov.in, इसी से आप ऑनलाइन बुक करें, अन्यथा दूसरे फेक जो साइट है उस पर आप फंस सकते हैं, उसमें आपका पैसा ज्यादा जा सकता है। इसमें सिर्फ जो सरकारी फीस है वही आपको देनी होती है और उसमें आपको सारा सब कुछ सुविधा मिल जा रही है। जी धन्यवाद पाल साहब। यहाँ जब भी आप अपना पासपोर्ट बनाने आए, ऑनलाइन जो आपने फिल करा हुआ है कागजात, उसके साथ साथ अपने मूल दस्तावेज लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर उसका जांच हो जाती है कि मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी में कोई अंतर तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी मूल दस्तावेज देखने की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए किसी व्यक्ति को दोबारा समय नष्ट नहीं होगा।